बोकारो में BSNL का केबल तार काटने वाले 10 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिछले दिनों सिटी थाना क्षेत्र के टूटेन गार्डन के पास चोरों ने BSNL का केबल चोरी की घटना को दिया था अंजाम। मामला बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र का है। आपको बताते चले कि अज्ञात चोरों द्वारा पिछले दिनों सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत टूटेन गार्डन सेक्टर 3 में BSNL का भूमिगत केबल तार काटकर भारी मात्रा में कॉपर वायर की चोरी कर ली गई थी, जिससे BSNL की कई क्षेत्रों की सेवा भी बाधित हो गई थी। सेवा बाधित होने के बाद जब उपभोक्ताओं के द्वारा इसकी सूचना BSNL ऑफिस बोकारो को दी गई, तब जाकर BSNL की ऑफिस के द्वारा जांच की गई। जांच के बाद पाया गया कि BSNL का भूमिगत तार को अज्ञात चोरों द्वारा काट दिया गया है, जिसकी सूचना BSNL के अधिकारियों द्वारा बोकारो की सिटी थाना को दी गई। मौके पर सिटी थाना पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन की, जिसके बाद एक छापेमारी दल बनाया गया। छापेमारी दल में 7 पुलिसकर्मी को शामिल किया गया। इस छापेमारी दल के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर दुंदी बाग स्थित कमल यादव की कबाड़ी गोदाम में छापेमारी की गई, जहां पता चलता है कि केबल तार को आरोपी द्वारा चास स्थित किसी व्यक्ति को बेचा गया है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करके मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मौके से भारी मात्रा में चोरी किए गए BSNL के केबल तार और चोरी में उपयुक्त औजारों को बरामद किया गया है। प्रेस को संबोधित करते हुए CTDSP कुलदीप कुमार ने बताया कि मामले में 10 आरोपियों को पकड़ा है, कुछ की तलाश है, पुलिस अनुसंधान कर रही है, बहुत जल्द बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। इंस्टीट्यूशन है संचार निगम का, और उसके द्वारा लगातार शिकायत मिल रही थी हम लोगों की कि हम लोग के जो एक्सचेंज है और हम लोग का साइट है, वहाँ से चोरी हो रहा है। इसी के संदर्भ में इसी आलोक में हम लोगों ने अनुसंधान करना शुरू किया, और इस अनुसंधान में हम लोगों को गुप्त सूचना मिला कि कुछ व्यक्ति जो है गुंडी बाग में उनका कबाड़ी का गोदाम है, वहाँ पे उनके जो कॉपर के वायर है उसको छुड़ाकर, उसको गलाकर उसको फिर किसी दूसरे को बेच देते हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने छापामारी की और उन लोगों से पूछताछ किया गया, तो उन्होंने अपराध को स्वीकार किया है, और उन्हीं के अपराध स्वीकारती में जिन जिन का नाम आया है उन लोगों को हम लोग ने बरामद किया।